हो गई सारी पैकिंग। कुछ छूट तो नहीं गया ना? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी चिंता रहती है ना, बेटी का बाप। अरे वो देखो, वो पासपोर्ट रखो अपने पास। नहीं क्या है, पराया पराया देश है, पराए लोग हैं। अब हाँ मुझे पता है, पर वो थोड़ा लंबा रहता है ना वहाँ से। पर उनके पास भी ज़रूर जाना। वो कैंपस रिक्रूटमेंट की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा 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 तो अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब पता चले तो बता देना बस। माँ ने देखो कितनी कितनी अच्छी तैयारी की है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं, थोड़ा घर सूना हो जाएगा। तुम रहती तो चहल पहल कर देती, गप्पे मार देती। अब तुम्हारी माँ से मैं क्या गप्पे मारता हूँ तुम्हें पता है ना, वही बड़बड़ाती रहती, वही बड़बड़ाती रहती। मिस करूँगा बस, हो सके तो ज़रूर फोन करना। और नहीं, यही बगल में पास में। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हें छोड़ने के लिए, ऐसे कैसे? ध्यान रखना हो, मन लगा के पढ़ना, मन लगा के काम भी करना। मुझे पता है काम किए बगैर पढ़ाई नहीं होगी, खर्चा कहाँ से उठाएगा बेटा? क्या करूँ, बहुत कम कमाई। कैसे तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दे, पहुँचा दे। तुम्हारी जिद थी ना उसमें, तुम्हारी जिद, तुम्हारी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे। चलो चलो जल्दी चलो। अरे सुनो, हम निकलते हैं अभी। अच्छा अच्छा अरे अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं खड़ा रहूँगा। अभी मुझे बाद में आते वक्त मिल जाएगी सीट। बैठो तुम, बैठो। अच्छा साइड साइड। अरे नहीं बेटा, चिंता मत करो, हाँ सब ठीक से ले लिया है ना? नहीं तो मैं जाके वापस कुछ लेके आऊँ, कुछ हुआ तो। मैं भी बस कहाँ तक पहुँच गई और मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा शायद। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं अगले स्टॉप पे उतर जाता हूँ। तुम जाओगी ना बराबर, पहुँचते ही फ़ोन कर देना बस, प्लीज़। चलो बेटा, छुट्टी में आना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। हाँ मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा।